हाय एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ एक्स फैक्टर ऑफ आलम ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, आलम का एक्स फैक्टर आलम के ही एक्स स्टूडेंट्स हैं। सो हमारे अनगिनत सक्सेसफुल एक्स स्टूडेंट्स में से आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा यादव। सो सुनते हैं कृष्णा यादव का एक्सपीरियंस आलम ट्यूटोरियल में, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सो फ्रेंड्स, वेलकम कृष्णा यादव विद मी, वन ऑफ माय डियरेस्ट एक्स स्टूडेंट्स। कृष्णा, कैसा लग रहा है वापस से एक बार फिर से सालों बाद आलम ट्यूटोरियल में आके? सेम फीलिंग सर, आपसे मिलने के बाद तो हमेशा वही पॉजिटिविटी, वही फीलिंग। ओके थैंक्स। बट ये बताओ कि आलम से निकलने के बाद आपने कॉलेज में क्या परसीव किया और करंटली आप क्या कर रहे हो? सो आलम ट्यूशन के बाद मैंने परसीव किया बीए में मास मीडिया ठाकुर कॉलेज से। ओके। एंड मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में जाऊँ, तो उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। ओके। जैसे कि मैंने उसके पहले असिस्टिंग से स्टार्ट किया, वर्क एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन लॉट ऑफ वेब सीरीज। लाइक सबसे जो लेटेस्ट मैंने वेब सीरीज किया था वो पाताल लोक था। ओके। पाताल लोक करने के बाद मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन किया क्रोम पिक्चर्स। ओके। इसका मैंने वन ईयर पूरा एक्सपीरियंस ग्रैब किया। उसके बाद नाउ आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर डायरेक्टर, मॉडल एंड एक्टर। वेरी नाइस, गुड टू नो दैट कृष्णा। फाइन, सो मैं जानना चाहूंगा कि आलम ट्यूटोरियल आपको किस तरीके से पता चला, कि आप जब अपने स्कूल डेज में थे तो हाउ यू केम टू नो अबाउट आलम ट्यूटोरियल? सो सर, टू बी वेरी फ्रैंक, आलम ट्यूशन मुझे इसलिए पता चला बिकॉज आई वॉज इन स्कूल। सो सारे जिस लोकेलिटी में मेरा स्कूल था मोतीलाल नगर, उस लोकेलिटी का सबसे फेमस ट्यूशन आलम ट्यूशन था। तो सारे लोग बोलते थे कि एक बार, और मुझे हमेशा से मैथ्स में इंटरेस्ट था। और मैंने जहां तक सुना था कि आप मैथ्स में लाइक सुपर मास्टर हो, तो मुझे वही था, अच्छा चाहिए था कि मैथ्स में मुझे जो चीज मैं कर सकूं वो सिर्फ एक अच्छा टीचर ही मुझे ला कर दे सकता है। तो बस उसके धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ट्यूशन आलम ट्यूशन, मैंने बस वहां से ज्वाइन किया। वेरी नाइस। तो ये बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, जो आपने सुना था और फिर जब आपने ज्वाइन किया आलम ट्यूटोरियल, तो वो उसमें कुछ जो सुना था और जो आपको डिलीवर हुआ उसमें कोई फर्क था या क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज्यादा फर्क था। मैंने सुना ये था कि सर किसी की सुनते नहीं है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। रियलिटी में इट वॉज टोटली डिफरेंट। आप जिस तरीके से अपने स्टूडेंट को ध्यान देते थे, जिस तरीके से फोकस करवाते थे, वो बोलने से, मतलब जो लोग बोलते थे आपके घर में, वैसा बिल्कुल नहीं था। इट्स जस्ट लाइक कि आप ये चाहते थे कि आपका हर एक स्टूडेंट एक्सेल करे, और एक्सेल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, अपने स्टूडेंट को उस लेवल तक लाते थे, बिकॉज यू नो द पोटेंशियल। एक बच्चे की पोटेंशियल क्या है वो आपको पता चल जाती थी। इस तरीके से आप उसको कुछ तरीके का ट्रीटमेंट देते थे, क्योंकि हमारे बैच में ही देख लो सर, हमारे बच्चों कितने बच्चे थे, सबका एक अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है शानसर को लेके। तो जो सुनते लोग वो अलग ही है, बट जो एक्सपीरियंस है सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस। और मेरा टू बी फ्रेंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ। ओके, हमेशा रहेगा। थैंक यू, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अब मुझे बताओ आलम में आपका सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा? मेमोरेबल मोमेंट तो काफी ज्यादा था, बट वो बेसिकली जब आपका जो प्रिपरेशन होता था टेंथ के स्टूडेंट को लेके, जैसे कि आप स्पेशली बुक्स ढूंढते थे, मतलब यू नो स्पेशल जो 20 लास्ट ईयर के पेपर्स बन के आते थे, उस चीज को आप पूरा स्टडी करके हमें टेस्ट लेते थे, क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन बैंक हमेशा, जो कि हमारे एग्जाम से पहले, वो काफी ज्यादा यूजफुल था। और वो चीज तो मतलब किसी को पता ही नहीं था। जब हम स्कूल में थे हम बोलते थे भाई ये पेपर हमने दिया, लोग देखते थे ये बुक कहाँ से मिली है। ओके। और आप लिटरली इस पर रिसर्च करके लेके आते थे। एग्जैक्टली। और उस टाइम में मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ के ट्यूशन पर एरिया के कोई ऐसा करता होगा। वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था हम सारे स्टूडेंट के लिए, आई गेस। ओके। मेरे लिए तो काफी ज्यादा था। तो कृष्णा, मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत रहे आपने कहा, मुझे ये बताओ कि किस तरीके से स्कूल से लेके आज तक आलम की टीचिंग्स आपकी लाइफ में किस तरीके से हेल्प कर रही है? सो बेसिकली आलम ट्यूशन की जो टीचिंग वो काफी अलग है कम्पेयर टू अदर ट्यूशन से, काफी ज्यादा अलग है। सबसे ज्यादा आलम ट्यूशन जो फोकस करता है वो अपने स्टूडेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे साइंस और मैथ्स जिसमें आप मास्टर हो, उस चीज को आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और वो आगे जाकर बहुत लोगों को यूजफुल देता है, क्योंकि साइंस आपका पूरा करियर फील्ड अलग है, मैथ्स आपको एक अलग फील्ड में लेके जाता है। तो काफी ज्यादा टीचिंग लेवल में उसमें आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। और आलम ट्यूशन का जो सबसे स्पेशल पार्ट है वो है एलएम सेक्शन, जो कि मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था। सो कृष्णा, हमारे स्टूडेंट्स को बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली एलएम इज। सो एलएम इज बेसिकली लाइफ मैक्सिमाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आजकल के यूथ में, बिकॉज जिस तरीके से आपने हम लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट किया था टूवर्ड्स स्टडीज, टूवर्ड्स करियर, टूवर्ड्स पैशन, बिकॉज वो उस टाइम पे किसने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आपने
बताया कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक चाहत क्या होती है, एक पढ़ाई और एक पैशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है, और एक डिजायर क्या होता है कि आपको किसी चीज को पाना है तो उसके लिए कितना पागल बनना पड़ता है। वो आपने हर संडे को हमें दिखाया, जहां सारे बच्चों को छुट्टी मिलती थी वहां पे सर हमें एक घंटे का ज्ञान देते थे जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और अभी भी वो चालू है। अभी भी वो कंटिन्यू है। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एक्सलेंट्स, पेरेंट्स जो भी ये देख रहे हैं कि देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। आज आप स्कूल जाते हो एजुकेशन पाने के लिए, उस एजुकेशन से आप एजुकेशन इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए, और जॉब आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है। लेकिन मैं ये क्लियर कट करना चाहता हूँ, सिर्फ किताबी नॉलेज से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स, आपका हार्डवर्क, आपका टैलेंट, आपका स्किल, आप कितना शार्प करते हो, अपनी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग करते हो, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बनोगे या अपनी जिंदगी में कैसा नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कमाओगे। सो बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद एलएम के बारे में किसी ने इतना एलैबोरेट करके बताया। इसी चीज की वजह से मैं आज एजुकेशन और पैशन के बीच में मैंने पैशन चूज किया। पहले I was about to become a doctor, मैंने साइंस लिया। साइंस लेने के बाद जब मैंने ये सारी चीजें समझा कि पढ़ाई, किताबी और पैशन में बहुत फर्क होता है। लाइफ में अगर आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बन सकता था, बट उस लेवल का डॉक्टर नहीं बन सकता था जो मुझे चाहिए था, जिससे मैं बी एंड ब्लू ओन कर सकूं। डॉक्टर तो बन ही जाता था बट वो लेवल का नहीं बन पाता था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एलएम सेक्शन, जो जिस तरीके से आपने मोटिवेट किया, जिस तरीके से आपने बताया डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन और पैशन और एक थॉट की किस तरीके से आपको क्या चीज चूज करना चाहिए लाइफ में, वो चीज से मैंने पैशन को फॉलो किया और आज मैं इस मुकाम पे हूं, जो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। जो भी काम करो, जैसे भी करो, बहुत शिद्दत से करो और बहुत ही ईमानदारी से करो। वेरी नाइस, हर चीज में ईमानदारी जरूरी है अपने काम के प्रति। ऐसा बड़े बड़े कह गए हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए खुश होना है तो ना कहीं आप किसी पिकनिक पे चले जाइए, पिकनिक स्पॉट पे चले जाइए। आपको एक साल के लिए खुश होना है तो शादी कर लीजिए, और अगर आपको जिंदगी भर के लिए खुश होना है तो ऐसा काम चूज करिए जो आपका पैशन हो। सो कृष्णा ने वो करने की कोशिश किया जो उसका पैशन था। इसने 12th के बाद देखा जाएगा, तो जब लोग JEE नीट के प्रिपरेशन करते हैं, इसने एक सही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं और इससे ज्यादा मतलब साइंस को परस्यू नहीं कर सकता मुझे यहाँ पे, ठीक है लोग कितना भी कुछ बोले मैं, लेकिन साइंस यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं बी एम परस्यू करना चाहता हूँ। और ये बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा डिसीजन लो कि जो सबके हो सकता है अगेंस्ट हो के भाई आप क्या कर रहे हो, लेकिन किसी को, पूरी दुनिया को आप पे कॉन्फिडेंस ना हो चलेगा, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अब ये जो चूज कर रहा हूँ ना, इसका टोटली रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार मैं होऊंगा और मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो आप जो सपने देखते हो, सपनों की कीमत चुकाने के लिए आपने रेडी होना चाहिए। कृष्णा ने वो करके दिखाया। और गाइस, एक चीज ये भी है कि खुद पे विश्वास करो, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था चीज तो मैं वैसा था, ऐसा मैं जैसा दिख रहा वैसा मैं बिल्कुल नहीं था, बहुत ही अलग था। आप अगर पर्सनैलिटी वे में ले लो, आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में ले लो, आप मुझे ड्रेसिंग सेंस में ले लो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी चीजें आप जब काम करने लग जाते हो तो धीरे धीरे सारी चीजें अडेप्ट करने लग जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये चीज वैसे नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो चीज सोचते हो आप वो चीज को डेवलप करते हो। तो प्लीज आप अच्छा सोचो और अपने गोल को अचीव करने के बारे में सारी जी जान लगा लो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा कृष्णा, हम लोग याद करो कितने साल बाद मिल रहे हैं, अगर लेकिन इतने सालों बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ बहुत सालों बाद मिल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सर, ये चीज मैं बोलने वाला था कि कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं आपके साथ कि हम, मतलब मैं मानू 3 साल के बाद हम मिल रहे हैं, आई गेस 3 साल के बाद मिल रहे, बट अभी भी वही फीलिंग है और वही रिस्पेक्ट और वही जोश है कि कुछ भी होगा सर है उसका हेल्प आउट करने के लिए, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ गुरु। आप जब भी कोई भी तकलीफ में होगा सर से आप डिस्कस कर सकते हो, मेरे लिए तो यही थे सब कुछ। मेरे टाइम पे जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता मैं सर को ही शेयर करता था और सर ने मुझे यहाँ तक लाया। ये कृष्णा का बड़प्पन है जो बोल रहा है। देखिए, हर स्टूडेंट का हार्डवर्क होता है, कृष्णा जो है वो अपने मेहनत और अपने नसीब से यहाँ पर उनके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स की वजह से है। और नॉट ओनली मी, डोंट फॉलो मी और मुझे मेंटर मत एक्सपेक्ट करो, घर में, आपके खानदान में, फ्रेंड्स में, बड़े भाई में, वो मदर फादर में ऐसा फिगर ढूंढो जो आप जिससे अपना हार्ट ओपन करके चीजें शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही पास आओ हेल्प के लिए। आज YouTube होने दो या सोशल मीडिया होने दो, देयर आर मेनी पीपल टू हेल्प आउट यू।
सो आप किसी भी तरीके से पीछे मत रहो या डिप्रेस मत रहो कि आप मेरा दिल का हाल सुनने वाला कौन है. अगर ठीक है कोई नहीं है तो रियली मैं हूं, लेकिन यू शुड फाइंड योर सेल्फ समबडी इन योर फैमिली इन योर फ्रेंड सर्कल के कोई आपका दिल का हाल सुन सके. नहीं तो बहुत बच्चे फिर डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं और उसका फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेके. और कृष्णा सब और क्या मिस करते हो आप आलम में? आलम की कौन सी चीज ज्यादा मैं जो मिस करता हूं? आपको मोटिवेशन, आप जिस तरीके से लोगों को बच्चों को अपने इंस्पायर करते हो. क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या होता मोटिवेशन, मुझे नहीं पता था क्या होता है पॉजिटिविटी. आपने और मुझे ये नहीं पता था कि एक डिजायर गोल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. आपने वो चीज बताया कि आपके सामने रखो गोल डिजायर, तब जाकर वो अचीव होता है. जब हम मेंटली उस चीजों को सोचने लग जाते तो हमारा एक्शन उसमें कन्वर्ट हो जाता है. ये चीज मुझे आपसे सीखने को मिला. वो चीज हमेशा फॉलो करनी होती लाइफ में. ऐसा नहीं कि आज मैंने किया तो आज खत्म. वो सिर्फ 10th या 12th या डिग्री के लिए नहीं, वो लाइफ में लाइफ लॉन्ग हमको यूज करना पड़ता है. मुझे मतलब वो सबसे बड़ी चीज आपसे मिल गई है, वो चीज कि पॉजिटिविटी क्या होता है. आज भी मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई लो फील करता है, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता जो सर ने मुझे दिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वो सिर्फ आपसे ही मिला सर. थैंक यू. बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की निकली तो सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओवर टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आज मेरे भी जिंदगी में जो चीजें अचीव कर पाया हूँ या ला पाया हूँ अपनी जिंदगी में, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही वजह से है. तो कृष्णा अपने जबान में या अपनी जुबान की कोशिश करिए एक्सप्लेन करने की, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप किसी चीज को चाहते हो पूरे दिल से पूरी शिद्दत से, तो ऑटोमेटिक आप वो एक्शन आपका मतलब आप सोचोगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक्शन में. और नहीं चाहकर भी आप वो चीज को पालोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हुआ. वेरी ट्रू. This is what law of attraction. बहुत सिंपल वर्ड्स में कृष्णा ने इसको समझाने की कोशिश किया. तो कृष्णा ऐसे कौन कौन सी चीजें आपने कोशिश किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके वो सब चीजों को अचीव करने की? जैसे आप स्कूल लाइफ में आप क्या थे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, और आप करंटली इफ यू बीइंग अ मॉडल अगर आप पीछे जाके देखो कि मैं कैसा था और मैं अब क्या हूँ. ठीक है आप मतलब शोज कर रहे हो बड़े बड़े, आप एल्बम्स कर रहे हो, आप इतने बड़े लोगों को असिस्ट कर रहे हो मीडिया में, तो आपको अब कैसा लगता है कि आप क्या थे और क्या बन गए? सो मेरा शुरुआत ऐसा हुआ था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मॉडल बिकॉज कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मॉडलिंग एक ऐसी चीज थी जो सबको, सारे लड़कों को चाहिए कि सबको अटेंशन मिले. तो मैं मॉडलिंग में क्या मेरी हाइट अच्छी थी, 6 feet टॉल हूं मैं, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं भी मॉडल बन नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट कॉलेज में तो पार्टिसिपेट कर ही सकता हूँ. बट उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा पतला था, आपको तो पता ही है, मुझे एकदम मुझे खुद को नहीं लगा था मैं मॉडल हूँ, बट एक कॉन्फिडेंट था अंदर से कि भाई मैं हूँ कुछ तो हूँ. तो मैं गया था सर ऑडिशन देने के लिए, तो मुझे उसने बोला भाई तू मॉडल तो नहीं बन सकता, एक्टिंग का चालू तो एक्टिंग दे देते जाकर, मतलब थिएटर कर ले, क्योंकि मॉडलिंग के लिए वी नीड सम गुड लुकिंग गाइस, तेरी हाइट है पर तेरी पर्सनैलिटी नहीं है. चलो ठीक है कोई बात नहीं. मैंने उसी से थिएटर करने लग गया, मतलब थिएटर भी चलता था तो थिएटर करने लग गया. उसके बाद एक दिन मैंने फोटो इंस्टा पर पोस्ट किया तो किसी बंदे ने कमेंट किया कि भाई तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि पोलियो मारा. अब वो चीज मेरे दिल पर बैठ गई. अब कहीं ना कहीं वो मेरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन गया कि अब मुझे सेकेंड ईयर में ऐसी पर्सनैलिटी लाना है कि मैं खुद को बोल सकूं भाई मैं एक मॉडल हूँ. और कृष्णा ने वो करके दिखाया. आज जो मैं कुछ पिक्स आपसे शेयर भी करूंगा या इस वक्त कर रहा हूँ, ये वीडियो प्ले होते हुए आप जो देखोगे इनके पिक्स देखोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रास्टिक है. और दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इसने अपनी पर्सनालिटी चाहा कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने और इसने वो चीज अचीव किया. सो नॉट ओनली पर्सनालिटी, सक्सेस होने दो, रिलेशनशिप होने दो, लाइफ में जो भी आपको चाहिए एक माइंडसेट चाहिए उसको अट्रैक्ट करने का. अगर आप ये उम्मीद ही छोड़ दोगे कि मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे घर खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा. सच में आप जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जो है ना जुड़ जाएगा आपको लाने के लिए. सिर्फ आपकी शिद्दत, चाहत जो है ना वो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. सो कृष्णा और कुछ मेमोरेबल मोमेंट आप ऐड करना चाहोगे अपनी लाइफ के जो आलम में अपना एक्सपीरियंस किया हो या मेरे साथ एक्सपीरियंस किया हो? तो सर आपके साथ तो काफी ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, मतलब हर मुझे याद है सर अपन डिनर के लिए गए थे आप मैं अमित, तो इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट जहां पर हमने कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर किया था एग्जाम में. तो सर इतने भी बुरे नहीं जितना लोग आप सुनते हो. सर ट्रीट देते, डिनर पे लेके जाते, पिकनिक लेके जाते, तो बस इतना कि आप अच्छा करो, उनको भी अच्छा लगेगा अपने स्टूडेंट को उस तरीके से देख के. देखिए स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि हर कोई है ना आपके लिए 10th सैनिटी 12th सैनिटी पर्सनल अचीवमेंट है. लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. आप चैलेंजेस को
पार करना कहां से सीखोगे, यहां से सीखोगे, अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में? आप ठीक है, एक टफ आंसर आपको नहीं आता, आप जब उसको ओवरकम करोगे तो दैट मीन्स आपने डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। सेम गोज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। क्या अगर आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस है, तो उन चैलेंजेस को मतलब सॉल्व करना कहां से सीखोगे? इस एज से ही सीखोगे। तो मैं चाहूंगा जितनी कम एज से, जितनी छोटी एज से आप चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर दें, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मैं जब टीचिंग में आया ना स्टूडेंट्स, तो मैंने ये नहीं सोचा, मैं बनना कुछ और चाहता था, बन गया टीचर, ठीक है, लेकिन उससे रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जैसे मुझे आर्मी में जाना था, तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, मुझे नेशन को वहां सर्व करना था, बट आई एम वेरी मच प्राउड बाय बीइंग अ टीचर। मैं आज नेशन को इस तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं नेशन बिल्डर बन गया हूँ। आज इंडिया के फ्यूचर को संवारने में मैं कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ बाय बीइंग अ टीचर, तो मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। और फिर जब एक लेवल पे मैं पहुंच गया कि हाँ ठीक है, आलम टूटल काफी फ्लरिश हो गया, इतने बच्चे आ रहे हैं, तब मैंने जो सैक्रिफाइसेस किया था 2004 ऑनवर्ड्स, ट्यूशन शुरू करने के बाद, मेरे डैड के गुजरने के बाद, मैंने जो जो चीजें, मेरी चीजें छोड़ दिया था, जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो जिसको मैंने मन मार के छोड़ दिया था ना, फिर ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने उन सब चीज को वापस अट्रैक्ट करना शुरू किया अपनी लाइफ में। मैंने मॉडलिंग को, मैंने डांसिंग को, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को, जिमिंग को, एडवेंचर्स को, सबको अट्रैक्ट किया, और फिर उन सबको टाइम टू टाइम मैंने ना अपनी लाइफ में लाया, और उन सबको मतलब यू कैन से बकेट लिस्ट थी, उन सबको वापस मैंने क्या क्या टिक करके पूरा किया। सो मुझे बहुत मजा आया कृष्णा के साथ बात करके, इतने सालों बाद इन कन्वर्सेशन विद कृष्णा यादव, इट्स बीन अ प्लेजर। होप आप लोगों को भी ये जितनी भी हमने बातें की हैं उसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ऐसा टेकअप आपको मिला होगा कि आपको लाइफ में हेल्प करेगा कुछ ना कुछ बनने में, या आप जहां भी हो उससे एक स्टेप आगे अपग्रेड करने में। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज सर से पूछिए, अगर मेरे से कुछ रिलेटेड आपको इंडस्ट्री से कुछ पूछना तो प्लीज आप इंस्टाग्राम लिंक पे मुझे डीएम करो, मैसेज करो, ईमेल करो, एंड फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। मेरे से जितना हो सकेगा मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा। बाकी सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।